पहले आईडेंटिफाई करे कैसे क्या है इसका ब्रेकआउट करें कैसे डिसाइड करें कि कि किसको करना है या नहीं करना है सारी चीजें आप स्कैनर के थ्रू ऑटोमेटिक कर सकते हो यानी कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट करें एनआर सेवन के लिए एंड उसको किस तरीके से ट्रेड करें बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है एक भी सेकेंड आप इसमें मिस नहीं करना है एंड आप में से कोई भी ट्रेडर जिसका कैपिटल पचास हजार एंड न्यू ईयर में मैं पहला बैच स्टार्ट करने वाला हूँ छ जनवरी से अगर आप में से कोई स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उस कोर्स के एनरोल कर सकता है देखिए आप में से ये पूछते हैं कि सर आपका कोर्सेस यू नो ओवर प्राइस होता है अगर आपका व्यू इस तरीके का है कि इसको ट्राई करें होगा तो करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे तो अगर आपका मेंटलिटी इस तरीके का है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स के एनरोल मत करो आपको जो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे दो तीन हजार पांच दस हजार का जो कोर्सेस मिलता है उसी में कर लो होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन अगर आप सीरियस हो ओके okay, एंड आपके पास कैपिटल है आप इसको एक करियर देखना चाहते हो पार्ट टाइम भी हो सकता है फुल टाइम भी हो सकता है है देन यू कैन फॉर अस एंड गेट द डिटेल्स ठीक बीस तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और छह तारीख से हम वन मंथ का स्विंग पिकिंग एक्सपोर्ट का बैच स्टार्ट करेंगे न्यू ईयर ठीक है तो बैक टू टॉपिक आप कितना सारा गलती करते हो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और आप खुद डिसाइड करोगे किसको करना है किसको नहीं करना है लेट सपोज इज इज एंड इट देखिए बहुत सारा कैंडल लेट सपोज यहाँ पे बनता है प्राइस कभी इतना बड़ा, है, इतना बड़ा कैंडल बनाता है फिर इतना बड़ा कैंडल बनाता है फिर इतना बड़ा कैंडल बनाता है फिर इतना बड़ा कैंडल बनता है ये ऊपर जा रहे नीचे जा रहा है मुझे नहीं पता लेट सपोज कुछ भी कैंडल बना रहा है और एक और कैंडल इस तरीके से बना लिया वन टू थ्री फोर फाइव हो गया यहाँ पे भी कैंडल बन गया एक और अगले ही दिन कैंडल बना ठीक है पूरा दिन भर में जस्ट मैके कैंडल लाइक दिस इसका मतलब क्या है अगर ये कैंडल को मैं पांच मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये लगभग इसी तरीके का होगा वाई इट इज लाइक दिस क्योंकि ये डिस कर रहे हैं बायर्स कि इसके नीचे हम जाने नहीं देंगे कर रहे हैं सेलर कि इसके ऊपर भी हम जाने नहीं देंगे तो जब ये स्टॉक टाइट रेंज में घूमने लग जाता है इट्स बिकम एन आर सेवेन और इसका रेंज प्रीवियस छ दिन का जो रेंज है उससे सबसे कम होना चाहिए तो इसका जब ब्रेकआउट होगा ऊपर तो साइड में या फिर नीचे साइड में नेक्स्ट डे देन वी कैन इनिशिएट ए ट्रेड क्योंकि ये जो बम होता है ना आप किसी चीज को प्रेशराइज करते हो तो क्या होता है वो ब्लास्ट होता है तो अगले ही दिन जब ब्लास्ट होगा अगर होगा तो हम करेंगे नहीं होगा तो नहीं करेंगे समझ रहे हो अगर फिर से और छोटा सा रेंज में चला गया तो फिर ये नेक्स्ट डे के लिए एनआर सेवन हो जाएगा और आपको तो वैसे एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि ये ब्रेकआउट भी कर चुका है अगर ये छोटे रेंज में भी घूमता है तो नेक्स्ट डे के लिए ये एनआर में फिर से आ जाएगा एनआर क्यों होता है क्योंकि नैरो रेंज सेवन लेट सपोज ये छोटा सा कैंडल बना और अगले ही दिन जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा इस साइड हो या फिर इस साइड हो तो इसका पहले हाथ कैंडल बना होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो नैरो रेंज को ब्रेकआउट होगा तो सबसे पहले मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि स्कैनर में बनाएंगे कैसे कि एनआर सेवन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे देन बाइंग एंड सेलिंग का हम भी देखेंगे ओके मैं अभी चार्टिंग का पेज में आ चुका हूं जहां पे हम स्कैनर्स बनाते हैं इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको वन मिनट पांच मिनट डिले आएगा अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपका मर्जी क्योंकि वहां पे इंट्राडे के लिए तो विदिन अ सेकेंड आपको अलर्ट मिल जाएगा ठीक है देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्यूचर रखूंगा स्टॉक पासिस ऑल इन फ्यूचर फ्यूचर करने से क्या होगा कि वही कैश स्टॉक आएगा जो स्टॉक फ्यूचर में भी ट्रेडिंग करते हैं और वही तो हमें चाहिए क्योंकि वहां पे लिवरेज भी मिलेगा फाइव एक्स और टेन एक्स का मिलेगा ठीक है सबसे पहले ये करना है और आपको एक और चीज ये करना है क्योंकि हम यहाँ पे बाइंग के लिए भी बताएंगे सेलिंग के लिए भी बताएंगे तो यहाँ पे हम एक और फिल्टर सॉ फिल्टर एड कर देंगे और एक बार आपका टॉप वाला फ्यूचर हो जाने के बाद नीचे वाला कैश रहने से भी कोई इश्यू नहीं है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एनआर सेवन एनआर सेवन कैसे बनेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था ये जो कैंडल है ये सबसे छोटा होना चाहिए पास्ट छह कैंडल से ये तीन कैंडल ये तीन कैंडल ये छह कैंडल और आज हम देख रहे हैं यानी कि प्रीवियस डे ऑलरेडी एक नारो रेंज कैंडल बनना चाहिए तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा यहां पे प्रीवियस डे का हाई माइनस लो हाई माइनस लो ये मेरा कस्टम इंडिकेटर है इसका मतलब क्या है हाई माइनस लो ये करंट कैंडल है बट यहाँ पे हम वन डे एगो करेंगे डे एगो करेंगे तो प्रीवियस डे का हाई माइनस लो होगा दैट शुड बी लेस ब्रैकेट यूज करो जो भी मिनिमम होगा उससे अगर ये कम है तो ये नैरो रेंज हो गया ना तो मिनिमम ऑफ लास्ट सिक्स कैंडल का हाई माइनस लो ठीक है और इसको टू डे एगो से रखो वन डे एगो हाई माइनस लो इज लेस तन 2 डे को से लेकर 6 कैंडल का हाई माइनस लो यानी कि अभी ये लेट सपोज ये करंट डे है ये करंट डे है ये प्रीवियस वन है इस तरीके से माइनस वन का हाई माइनस लो दैट शुड बी लेस देन पास्ट ये माइनस टू यहां से होगा माइनस थ्री इस तरीके से चलता जाएगा तो प्रीवियस 6 दिन का हाई माइनस लो से आज का जो हाई माइनस लो है सबसे कम होना चाहिए यहाँ पे हमने यही लिखना है कि वन डे को हाई माइनस लो

equals to 100 100 greater than 100. and close is less than 10000 ये रख लो अमूमन आप इसके ऊपर वाला स्टॉक आ गया तो आप क्या आप इसको ट्रेड करोगे नहीं करोगे डेली क्लोज सौ के ऊपर है डेली क्लोज दस हजार से नीचे है ठीक है तो इसी तरीके से आपको करना है मैं इसको सेव कर देता हूं आपके लिए ये अभी हम जो स्कैनर्स बना रहे हैं ये स्कैनर का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप वहां पे जाके कॉपी कर सकते हो अगले दिन आपको ये अवेलेबल हो जाएगा फ्री में एन आर सेवन ब्रेकआउट फॉर इंट्राडे फॉन टेक्निक ये नाम पे मैं सेव कर रहा हूं ओके okay, नाउ ये हो गया जेनरिक कंडीशन फॉर एनआर सेवन अगर हम इसको रन करते हो सेव करते हैं आप यहाँ पे देखोगे देर इज फोर्टी स्टॉक तो क्या फोर्टी स्टॉक को ट्रेड करना पॉसिबल है नहीं है नाउ द प्रोसेस इज हाउ टू फाइंड द बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड इनमें से अगर हमें चूज करना है कि बेस्ट स्टॉक किसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सब फिल्टर ऐड करो और यहां पे फिर से एक और सब फिल्टर ऐड करो और यहां पे एनी कर दो यानी कि इन दोनों में से किसी एक भी फुलफिल होगा तो हमें चलेगा लेट सपोज यही हमारा एनआर सेवन हो गया ये पांच मिनट का टाइम फ्रेम है और ये प्रीवियस डे का एनआर सेवन कैंडल है ये प्रीवियस डे का ये इस तरीके से होल मूव हुआ है पांच मिनट टाइम फ्रेम है लेट सपोज नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल इसी तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है इन द फर्स्ट वेरी वेरी फास्ट कैंडल इट मीन नाउ द स्टॉक इज रेडी टू ब्लास्ट ठीक है अब इस तरीके का कैंडल भी हो सकता है अब यहाँ पे इस तरीके का कैंडल भी हो सकता है क्योंकि जो कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे इसी तरीके का कैंडल भी हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है ठीक है वो भी ब्रेकआउट कर रहा है तीन पॉसिबिलिटी है आप अभी आइडेंटिफाई करो मैं तीनों को बताऊंगा तो सबसे बढ़िया कौन सा एंट्री होगा आप हाई के ऊपर एंट्री करेंगे इसका हाई के अबव एंट्री करेंगे या फिर इसका हाई के अबव एंट्री करेंगे या फिर इसके हाई के अबव एंट्री करेंगे ब्रेकआउट तीनों कर रहे हैं बट इट्स ऑल ब्रेकआउट इज नेसेसरी फॉर अस नो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको ये वाला ये वाला या फिर ये वाला ये वन मैं कर देता हूं ये 2 एंड 3 आप बोलोगे वन क्यों क्योंकि कैंडल भी बहुत सॉलिड दिख रहा है इतना दूर नहीं भागा है ब्रेकआउट के बाद ये वाला क्या है ब्रेकआउट तो किया लेकिन रेजिस्टेंस लेके ऊपर से नीचे आ गया है और छोटा सा बॉडी यहाँ पे बना दिया है तो ये भी हमें नहीं चाहिए और ये तो बहुत बड़ा बॉडी बना दिया है यहां पे करने से हमारा रिस्क टू रिवार आर आर हैम्पर होगा है ना दिस इज द थिंग्स यू नीड टू रेप्लीकेट इन योर स्कैनर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं देखो सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल तो होना चाहिए कई बार ऐसा भी होगा ये ब्रेकआउट करेगा लेकिन ऊपर से ब्रेकआउट यानी कि गैपअप ओपन हो जाएगा और एक रेड कैंडल बनाएगा ये भी अगर हम करेंगे ये भी एक ब्रेकआउट सिचुएशन है या फिर गैपअप हो जाएगा गैप अप हो जाएगा ये लाइन है गैपअप हो जाएगा टच भी नहीं करेगा और इस तरीके से ऊपर का हाई बना के यहीं पर खड़ा रहेगा तो ये पांच सिनारियो बना रहा है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ही तो इसको कैसे स्कैन करेंगे इसको कैसे नहीं करेंगे ये जरूरी है राइट right? मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा और इसका जस्ट रिवर्सल है सेलिंग के लिए जब तक ये आप नहीं करोगे आपका मिस्टेक आप बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं मुश्किल से एनआरसी पर मिल भी गया तो कोई भी कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है चलो इसको करने दो ये इसलिए लॉस होता है चलो मैं आपको ये एक एक करके बताऊंगा तो सबसे पहले ये इसको हम डिस्कालीफाई करेंगे यानी कि हमें ग्रीन कैंडल ही चाहिए ट वांट दिस रेड कैंडल सबसे पहले इसको हम डिस्कालीफाई करेंगे कैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे लेट सपोज हम ऊपर की तरफ काउट स्कैन करेंगे चालीस स्टॉक में से बहुत सारा स्टॉक ऊपर भी गया है बहुत सारा स्टॉक नीचे भी गया है हमें कौन सा इंपॉर्टेंट है यानी कि ग्रीन कैंडल होना चाहिए तो क्लोज शुड बी ग्रेटर देन ओपन और कौन सा कैंडल होना चाहिए वेरी फास्ट कैंडल पांच मिनट करके यहाँ पे वेरी फास्ट कैंडल करो वेरी फास्ट कैंडल ठीक है और इसको कॉपी कर दिया मैं दोनों एक साथ करूंगा नीचे वाले के लिए भी दोनों एक साथ करूंगा तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक है मैं अभी दोनों एक साथ करने वाला हूँ फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे अगर नीचे की तरह से ब्रेकआउट कर रहा है ओपनिंग शुड बी लेस देन क्लोज मतलब कि इसका एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए और जो नीचे की ब्रेकआउट कर रहा है तो रेड कैंडल होना चाहिए ओके okay, मैं इसको सेव कर देता हूँ अब देखो यहाँ पे भी तेईस स्टॉक्स आ गया ठीक है फर्स्ट कैंडल ओपन ग्रेटर देन क्लोज अब ग्रीन कैंडल है लेकिन ये ब्रेकआउट भी करना चाहिए हाई को और अदरवाइज को ब्रेकआउट करना चाहिए तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा प्रीवियस कैंडल का हाई सेम इसी को कॉपी करके हम यहां पे पेश कर देंगे फर्स्ट कैंडल का लो इज लेस को क्रॉस करके जा रहा है ना ठीक है अब इसको रन करेंगे, सेव करेंगे. देखो ये इतना स्टॉक फास्ट कैंडल अभी फास्ट कैंडल में इतना ही सारे स्टॉक अभी कहा चालीस स्टॉक था अभी आपके पास चौदह स्टॉक है ना अभी एक और चीजें क्या करना पड़ेगा मैं आपको यहां पे बताया ये वाला कंडीशन हमने लिख दिया कि एक तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए और ब्रेकआउट करना चाहिए तो ब्रेकआउट भी हो गया तो ये वाला डिस्कालीफाई हो गया तो दूसरा क्या है कि कैंडल बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है इसको ट्रेड करना तो सिंपली कंडीशन यहां पे यही लिखो कि ऊपर में लिख दिया तो चलेगा हाई डिवाइडेड बाय लो इज लेस 1.03 अगर पहला कैंडल ही तीन परसेंट का बन गया ब्रेकआउट के बाद भी हमें किसी काम का कोई काम का नहीं है तो पहला कैंडल का हाई डिवाइडेड बाय लो यानी कि जो रेंज है ये रेंज तीन परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप यहां पे रिक्स टू वर्ड वन एस टू के लिए भी और तीन परसेंट मूव करना जरूरी है ठीक है क्योंकि इसका लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा मोस्टली ट्रेडर इस ऐसा ही यूज करते हैं right? राइट तो फास्ट कैंडल का हाई माइनस लो तीन परसेंट से कम होना चाहिए अब अभी देखते कितना स्टॉक बचा चौदह स्टॉक बचा है इसको सेव कर देते हैं तो ये जो बड़ा कैंडल है इसको भी हमने डिस्कालीफाई कर दिया ये हमें नहीं चाहिए इसके लिए हमने कॉमन कंडीशन डाल दिया अब ये क्या है कैंडल एटलीस्ट फुल कैंडल का फिफ्टी से अब क्लोजिंग होना चाहिए तभी हम मानेंगे कि इट इज ए गुड स्टॉक फॉर बाइंग क्योंकि ऊपर ही क्लोजिंग हो रहा है ठीक है तो वो कैसे करेंगे ये थोड़ा कंफ्यूजन करेगा आपको मैं आपको दिखाता हूं ऊपर वाला करते ब्रैकेट हाई माइनस लो इंटू जीरो पॉइंट फाइव मैं बताता हूं आपको ये क्या है थोड़ा सा एडवांस चीज है अभी देखो इसको फर्स्ट फाइव मिनट कर दो इसको भी फर्स्ट फाइव मिनट कर दो इसको भी फर्स्ट फाइव मिनट कर दो ठीक है सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि कैंडल का 50 परसेंट से ऊपर ही क्लोजिंग होना चाहिए पहला कैंडल का क्लोजिंग ग्रेटर देन लो से अगर हाई माइनस लो का 50 परसेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगा यानी कैंडल का जो मिड वैल्यू है वही आएगा उसके ऊपर ये क्लोजिंग होना चाहिए ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पे तो ये हमारा हो गया इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहां पे क्या करेंगे क्योंकि नीचे वाला के लिए हमें नीचे चाहिए कैंडल का क्लोजिंग लेस देन होना चाहिए लो प्लस हाईव माइनस लो इंटू जीरो पॉइंट फाइव ये इस कंडीशन में नीचे चाहिए ऐसा ना हो कि जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसा पार्टन दिखे या फिर यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं लेट सपोज यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे लेट सपोज ये ब्रेकआउट दे दिया ब्रेकआउट दे दिया लेकिन इस तरीके के हैमर बन गया ब्रेकआउट तो दिया लेकिन हैमर बन गया तो अभी हमें लो के नीचे हो सकता है फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा तो डर रहता है इसीलिए ये कैंडल भी हम डिस्कालीफाई करते हैं तो देखो मैं इसको भी कैंसिल किया इसको भी कैंसिल किया अभी ये वाला जो इन्वर्टेड हैमर था इसको भी हमने कैंसिल कर दिया ये तीन चीजें कैंसिल कर दिया है, तो बचा कौन सा ये तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा सारी पॉइंट्स क्या चाहिए एक्जैक्टली exactly आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा और जैसे कि मैंने बताया था ये गैप अप हो गया गैप अप भी हमें नहीं चाहिए फिर गैप डाउन नहीं होना चाहिए ओके okay, तो उस कंडीशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा फर्स्ट कैंडल का लो दैट शुड बी लेस देन वन डे गो हाई फर्स्ट कैंडल का लो इज लेस देन वन डे गो हाई सेम इसमें क्या करेंगे कॉपी कर देता हूं मैं इसको यहां पे तो पेस्ट करता हूं फर्स्ट कैंडल का हाई शुड बी ग्रेटर देन वन कैंडल लो अब इसको सेव करता हूं। देखो हमारे पास बचा कुचा कितना बचा अभी सात स्टॉक बचा कहा चालीस था कहा सात था समझ रहे हो तो इसी तरीके से अगर आप करते हो तो आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा अगर आप मिस्टेक्स करोगे तो दिस इज द बेसिक कंडीशन स्कैनर वेल यू ट्रेडिंग एन एर से इसके अलावा आप और कंडीशन एड कर सकते हो और भी स्मूथ एक दो स्टॉक के लिए भी ला जा सकते हो बट दिस इज द वेरी वेरी बेसिक अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सीख लीजिए इसको मैं सो वीडियो बना चुका हूँ कैंडल के ऊपर स्कैनिंग के ऊपर आप इसको देखिए अगर आप नया भी ज्वाइन करते हो एटलीस्ट पंद्रह मिनट अगर देते हो तो आपको बहुत सारी चीज जानकारी देखने के लिए मिलेगा रोज स्कैनर सीखिए क्योंकि ये जो आउटपुट देगा ना दिस हैज चेंज माई लाइफ ठीक है क्योंकि मेरे को टेक्निकल मालूम था सारी चीजें लेकिन एक स्कैनर करते बहुत हो बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होगा तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बंधन बैंक है तो बंधन बैंक हमें जो चाहिए वो है क्या वो देखना जरूरी है ठीक है बाद में आप वोआई डाटा कुछ भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्या हुआ यहाँ पे एक रेंज बनाया था प्रीवियस डे में रेंज जो ट्रेडिंग कर रहा है वो फंस गए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा एक यू नो कैंडल यहां पे बना है एंड ये यहां से ब्रेकआउट दिया एंड मोमेंट किस तरीके का ये अगर हम देखेंगे मोमेंटम जो हुआ है लगभग फोर फाइव का मोमेंटम हो गया लग रहा है वन पॉइंट थ्री है कितना ठीक है यहाँ पे कोई कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो आप उस चीज को छोड़ दो और वहां पे लॉसेस बुक करना ही बेस्ट रहेगा समझ रहे हो तो इसी तरीके से आप यू नो स्टॉक को स्कैनिंग कीजिए फॉन टेक्निक चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है नॉलेज सारे आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए बताइए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे फिफ्टी फोर परसेंट में सब्सक्राइब ही नहीं करते तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दिस इज ए टोकन ऑफ लव फ्रॉम योर साइड ओके हम जो तो पढ़ाते हैं सिखाते हैं आपको उसका तो एक तो गिफ्ट तो है हमारे लिए यहाँ पे भी यू कैन सी बट इज ब्लास्ट मूव क्योंकि ये इसी दिन पूरा क्या रेंज में रहा जब भी ब्लास्ट करता है तो फिर बड़ी अच्छी तरीके से जाए आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कहाँ पे रिवर्सल होगा बहुत सारे इंडिकेशन मार्केट देता है अगर हैवी वॉल्यूम स्पाइक हो जाता है बाद में इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग भी कर रहे हैं ऊपर लेवल पे तो आप वहाँ पे आराम से निकल सकते हो या फिर अपना जो बेसिक रिस्क रिवार्ड है उसी को फॉलो करके वहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो ठीक है तो इसी तरीके से आप देख सकते हो मैं एक और स्टॉक आपको दिखा देता हूँ और मार्केट किस डिरेक्शन में है यहां पे देखो यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ था ये रेंज के ऊपर ओके ये बनाया था ऊपर क्लोजिंग हुआ है इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया एंड वॉट ए मूव एंड ऑप्शन अगर आप करोगे ना इट विल बी क्रेजी मैं सजेस्ट नहीं करता हूं ऑप्शन करने के लिए बट ऑप्शन में अगर ये मूव अगर हम देखेंगे बहुत ज्यादा होता है कैश में भी वन एस टू फाइवेक्स तक आपको लिवरेज मिलता है वहां पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं बट आप सजेस्ट करूंगा मैं कि आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जाइए आपका पर डे रिस्क होना चाहिए पर डे टू परसेंट से ज्यादा नहीं रिक्स होना चाहिए कैपिटल का ओके हाइएस्ट लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना इतना ही रिक्स होना चाहिए मैक्सिमम तो आप इसी तरीके से स्टॉक को देखिए जिसको फेल भी है कई कई बार स्टॉप लॉस भी होगा अभी देखो यहाँ पे ये यह स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को बुक कर दो निकल जाओ ठीक है यहाँ पे टाटा मोटर्स हो गया यू कैन सी हियर यहाँ पे एक्चुअल में ग्रीन कैंडल ही है बट ये चार्टिंग में आपको नहीं दिखा रहा है प्रॉपरली यानी कि अभी जीरोधा में नहीं दिख रहा है ग्रीन कैंडल नहीं हुआ होता तो हमें ये अलर्ट नहीं दिया होता ठीक है अभी ये आपको दिखाता हूं देखो ये ग्रीन कैंडल है कि नहीं है अब यहां से देखो ब्रेकआउट दिया अभी इसका लो ब्रेकआउट करने से आपको ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि आपको मालूम है ये अपर साइड का रेंज को पहले ब्रेकआउट किया है तो आप अपर साइड का ही करोगे ना आप देखोगे उट so uh, किस तरीके से सही तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है स्टॉक सिलेक्शन करना है ये सारी चीजें मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताया उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको आज के लगी होगी थैंक यू सो मच सी यू सो इन द नेक्स्ट वीडियो